आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। जनपद बलिया जिले के चितवड़ा गांव क्षेत्र के महरेब में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन व उनके सिद्धांतों व संस्मरणों की याद ताजा करते हुए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। सोमवार को महरेब चितवड़ा गांव में स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल ने जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला, वहीं स्वाधीनता संग्राम में बलिया के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रभक्ति की अलग जगाई थी। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल का लक्ष्य अंत्योदय था। वह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी मूर्ति स्थापना अपने आप में गौरव की बात है। इसके लिए उन्होंने कार्यक्रम के संयोजकों व स्वदेशी जागरण मंच को बधाई दी। कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी मिले तो देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के अनुरूप देश व समाज के विकास के लिए कार्य कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। राज्यपाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने युगा अनुरूप बदलते रहने का वैचारिक संदेश भी दिया। उन्होंने चरे व्यति चलते रहो के सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कहा कि हम सबका एक ही ध्येय होना चाहिए कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उस दिशा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वैचारिक ताकत के आधार पर काम करना चाहिए। इससे पहले उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया। समारोह को स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल, अजय कुमार आदि ने भी संबोधित किया। दादी है वो क्या कमाएगा, छोटा नौनिहाल क्या कमाएगा। मित्रों, पूरी दुनिया का, भारत का वो विचारक, वो दार्शनिक, वो चिंतक, जो जन्म आप देख रहे हैं समाचार।